हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है MHN के पेपर में 5 मार्क के लिए मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, तो चलो हम देखेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है एबल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप विथ अदर्स, काइंडनेस, पेशेंस एंड कंपैशन आर डिस्प्ले फॉर अदर। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अदर पीपल के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने में एबल रहता है, साथ ही में उसके बिहेवियर से दूसरों के लिए काइंडनेस देखने को मिलता है, उसमें पेशेंस एंड कंपैशन उसके बिहेवियर से देखने को मिलता है। फिर सेकेंड पॉइंट, एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद देयर ओन एफर्ट्स एज मच एज पॉसिबल। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो खुद के प्रॉब्लम खुद के एफर्ट्स से सॉल्व करने में एबल रहता है। फिर थर्ड पॉइंट, नो एंड एक्सेप्ट हीज और हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको खुद के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता रहते हैं एंड उसको वो एक्सेप्ट भी करते हैं उसके स्ट्रेंथ को एंड वीकनेस को। उसके बाद देखेंगे उसका फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में बोला गया है हैव अ ओन पर्सनल आइडेंटिटी। तो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको उसके पर्सनल आइडेंटिटी रहती है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, हैव टू अप्रिशिएट एंड इन्जॉय द लाइफ। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अप्रिशिएट एंड खुद की लाइफ को इन्जॉय करने में एबल रहता है। उसके बाद है सिक्स पॉइंट में बोला है एबल टू फेस द रियलिटी। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो रियलिटी को फेस करने में एबल रहता है। उसके बाद है सेवन पॉइंट में है एबल टू वर्क एट जॉब सक्सेसफुली एंड सपोर्ट देम सेल्फ। इसमें बोला जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपने वर्क को सक्सेसफुली करने में एबल रहता है एंड खुद को एंड अदर पीपल को सपोर्ट भी करता है। उसके बाद है एट पॉइंट, एबल टू गेट इनफ स्लीप। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो इनफ स्लीप, जितनी स्लीप चाहिए एक पर्सन को उतनी लेने में वो एबल रहता है। जबकि जो मेंटली अनहेल्दी रहते हैं उनको मेंटली इल पेशेंट रहते हैं उनको उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद है नाइन्थ पॉइंट, उसमें बोला हैव अ सेंस ऑफ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है उनमें सेंस ऑफ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देखने को मिलती है। उसके बाद है टेंथ पॉइंट, एबल टू फेस द रियलिटी। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो रियलिटी को फेस करने में एबल रहता है। उसके बाद 11 पॉइंट देखेंगे, तो उसमें बोला है मेंटेन देयर डेली रूटीन इन अ हेल्दी वे। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपने खुद के डेली रूटीन हेल्दी वे से मेंटेन करने में एबल रहता है। उसके बाद देखेंगे 12 पॉइंट, उसमें लिखा हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ अदर एंड देयर वर्क। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो किसके लिए? खुद के लिए, अदर के लिए, अदर पीपल के लिए एंड खुद के वर्क के लिए उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे उसका 13 पॉइंट में बोला है एबल टू डील विद स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन अ हेल्दी वे। जब जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन को हेल्दी वे से डील करने के लिए एबल रहता है। उसके बाद है 14 पॉइंट, उसमें बोला है एबल टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। तो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो खुद अपनी फैमिली के साथ, अदर पीपल, सोसाइटी लोगों के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने में एबल रहता है। उसके बाद है 15 पॉइंट, इसमें बोला है एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड इमोशन। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी फीलिंग,
एंड इमोशन फीलिंग उसके अंदर जो भी, या फिर इमोशन एंगर हैप्पी जो भी है वो एक्सप्रेस करने में एबल रहता है। उसके बाद है 16 पॉइंट, इसमें बोला है डू नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन वरिंग। तो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपना टाइम एंड एनर्जी टेंशन में वेस्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये थे एक मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।